सास व नंदू ने की बहू की बेरहमी से पिटाई। 2015 में पीड़िता का प्रेम प्रसंग से हुआ था विवाह। आरोप है कि विवाह के बाद पीड़िता के पति की कराई गई थी हत्या। पति की मौत के बाद से उसको लगातार किया जा रहा प्रताड़ित। पीड़िता सास व नंदू की प्रताड़ना से तंग आकर चौकी थाने के चक्कर लगाने को मजबूर। पीड़िता का आरोप सास व नंदू द्वारा मारपीट से आहत होकर वह चौकी पहुंची तो चौकी के सिपाहियों ने दारोगा के न होने का हवाला देकर उसको चौकी से लौटाया। आरोप है कि नंदे मकान में करना चाहती है जबरन कब्जा, इसी वजह से बराबर पीड़िता को कर रही है प्रताड़ित। मामला चकेरी थाना की कोयला नगर क्षेत्र का है। नाम है आप? राधा गौतम। क्या मामला है? मामला सर, हमको इतना परेशान करके रखा हुआ है ससुराल वालों ने कि पूछो नहीं, मेरे पति का मर्डर करवा दिया, मेरे गेट का, और सर हमको इतना परेशान करते हैं, आए दिन मारना पीटना, मेरी नंदे यहीं पर बनी हुई थी है, मुझको मारने की धमकी देते हैं सर, सब प्रॉपर्टी के पीछे सर हो रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो मेरे नाम पे नहीं होगी, और सर वो मेरे माँ आए दिन मेरे नंदोई आते हैं, हमको इतना परेशान करते हैं सर, हमको इतना टॉर्चर करते हैं, मेरे मैके वालों का ना सरासर इन लोगों ने कहा है कि मैके वाले आपके नहीं आएंगे सर, इतना ज़्यादा, सर मैं अकेली हूँ, ना मेरे घर में ना कोई है, ना कोई मेरे ससुर थे, उनको भी सर पता नहीं क्या करा, वो भी सर गए मर, क्योंकि सर वो हम हमेशा मेरी साइड होते थे, और सर मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो करा हुआ है, कल भी मुझे मारा, मेरे बच्चे को पढ़ाती नहीं है लिखाती नहीं, ना उसका दूध भी छुड़वा दिया, हाँ बिन बाप का बच्चा, मेरे पति का भी मर्डर हुआ है, मेरे जेठ का भी मर्डर हुआ है, हाँ और मेरी देवरानी को भी भगा दिया है, सर इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, आए दिन इतने लोग आते हैं कि सर नंदोई मेरे रोज आते हैं, आए दिन नंदे रोज आती हैं, और सर इतना परेशान करते हैं कि सर पूछो नहीं, यही ये बनाओ वो बनाओ, और इनका एक पागल है बेटा, वो सर उसके साथ कहती है कि लेटो ऐसा करो वैसा करो, सर बताइए हम कहाँ जाएं सर, मैं अकेली हूँ, मैंने लव मैरिज करी थी सर, इसलिए ये मुझे इतना टॉर्चर करती हैं कि तूने मतलब ऐसा करा, यहाँ से भाग यहाँ से जा, और सर मुझे मतलब इतना परेशान करा हुआ है, इतना मारती है अभी भी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।